ज्यादा दिन नहीं बीते जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार खटाखट फटाफट सटासट पटाफट मुफ्त की गारंटी बांट रहे थे। और जब कांग्रेस ऐसा कर रही थी तभी ये साफ हो गया था कि ये चुनावी वादे कर्नाटक को दिवालिया बना देंगे, और हुआ भी वही। चुनावी वादों को पूरा करने के चक्कर में तमाम विकास कार्य रोक दिए गए, लेकिन बात उससे भी नहीं बनी तो गारंटियों की समीक्षा किए जाने की बात होने लगी। मामला इतना उलझ गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार आपस में ही झगड़ने लगे। कर्नाटक की 5 गारंटी स्कीम कांग्रेस के लिए भारी पड़ रही है। उसमें शामिल शक्ति कार्यक्रम को समाप्त करने के बारे में सरकार विचार कर रही थी। इस विवाद को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इतना ही वादा जनता से किया जाना चाहिए जो कि हम पूरा कर सकें। इसके बाद कांग्रेस सरकार को स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि प्रमुख गारंटी योजनाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। खड़गे ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की इस बात के लिए खिंचाई की थी। उन्होंने कहा था कि लोकप्रिय शक्ति कार्यक्रम पर फिर से विचार किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि आपकी 5 गारंटियों को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र में 5 योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन आपने कहा कि एक गारंटी को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शक्ति योजना पर पुनर्विचार करेगी, क्योंकि उसमें से कुछ अपनी टिकट के लिए भुगतान करना चाहती हैं। खड़गे की खिंचाई के बाद सफाई देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इस पर खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ये देख मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्पष्ट किया कि उनके डिप्टी का मतलब ये कहना था कि योजना में संशोधन किया जाएगा। इस जवाब से भी खड़गे खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि संशोधन कहकर आपने संदेह पैदा कर दिया है। जो लोग आलोचना करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी है। खड़गे ने कहा उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस से वित्त के आधार पर गारंटी की योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि उन्हें 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी, उन्हें बजट के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा और अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं हैं तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि महाराष्ट्र में पार्टी की गारंटी वादे यथार्थवादी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट देखने से पहले वे कोई घोषणा नहीं करेंगे और करीब 15 दिन पहले हमें रिपोर्ट मिली और हम नागपुर या मुंबई में इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार विफल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा, उन्हें 10 साल तक निर्वासन में रहना होगा। डीके शिवकुमार ने ये भी स्पष्ट किया 5 गारंटियों में से किसी को भी रोका या समीक्षा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कुछ निजी कंपनी के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता मिल रहा है, वे टिकट के लिए भुगतान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं, अगर कोई टिकट के लिए भुगतान करना चाहता है तो हम उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जारी है तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड भी काफी सक्रिय है और खास तौर से कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोका था, लेकिन बाद में खुलासा यह हुआ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में साजिश के तहत वक्फ बोर्ड का नाम डाला गया था। ये मामला शांत भी न हुआ था कि वक्फ बोर्ड के लोग हावेरी जिले के कड़कोल गाँव में देर रात धमके और गाँव में मकानों और जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस घटना से पूरे गांव में तनाव पैदा हो गया और लोगों ने कब्जा करने आए लोगों पर जमकर पथराव किया। नतीजा ये हुआ कि गांव पर कब्जा करने की फिराक में आए लोग वहां से भाग गए, लेकिन गांव में अब तक तनाव के हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में हो ये रहा है कि वक्फ जमीनों और गांव पर दावा कर रही है और प्रशासन उसके पीछे पीछे कब्जा दिलवाने चल पड़ता है। इस मामले में भी प्रशासन ने ही संपत्ति पर कब्जा करने के आदेश जारी किए और लोगों का कहना है कि सरकार ने ही उनकी संपत्तियों को वक्फ के नाम पर पंजीकृत करने में मदद की है। पथराव के दौरान कुछ लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूत्रों ने बताया कि वक्फ एवं अल्पसंख्यक मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने 3 सितंबर को एक बैठक की थी जिसमें हावेरी जिले के अधिकारियों को कथित तौर पर अतिक्रमण वक्फ भूमि को मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद अधिकारियों ने 7 सितंबर को एक आदेश जारी किया जिसकी हावेरी के सवानूर तालुका के कड़कोल के ग्रामीण भड़क गए और हिंसक हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिवारों पर हमला करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक बासवा गौड़ा आर पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि इस तरह के अन्याय को रोकने के लिए वक्फ की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और ऐसे में लिखा गया कि वक्फ कर्नाटक में किसानों, मठों और मंदिरों की जमीन पर दावा कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून की वजह से वक्फ के पास ताकत है और वो लोगों की संपत्ति पर कब्जा भी करना चाहता है। कर्नाटक बीजेपी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि भूमि सहित हिंदू मंदिरों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किया गया। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की, जिसमें किसानों की भूमि और मंदिर संपत्तियों पर कथित अतिक्रमण के लिए वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार दोनों को निशाना बनाया जाएगा। आर अशोक ने भाजपा की चिंताओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि विजयपुरा के बाद कोलार के मंदिर की समितियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। ये किसानों की भूमि और हिंदू मंदिर दोनों पर स्पष्ट अतिक्रमण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जांच एजेंसियों से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, जैसे कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने बार बार पूछा, अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। ईडी या सीबीआई को तो एक चवन्नी भी नहीं मिली, मतलब घोटाला नहीं हुआ। यही सवाल जांच एजेंसी से अदालत पूछती है, जनता पूछती है और घोटालेबाज नेता भी पूछते हैं, घोटाले का माल कहां गया। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दिया। हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि इसके पहले ईडी की टीम छापा मारने आती है, उसके पहले ही वे सारा माल इधर उधर कर देते हैं और ईडी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। यही मामला शराब घोटाले में भी हुआ, माल गायब कर दिए गए, सबूत मिटा दिए गए। केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक सबने अपने मोबाइल फोन बार बार बदले और आखिर में मोबाइल का पासवर्ड तक बताने से इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत के इस खुलासे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया। दरअसल ईडी वन विभाग के घोटाले के केस में उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पाखरो रेंज घोटाले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का नाम सामने आया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी निर्माण घोटाला की जांच हो रही है। ऐसे में हरक सिंह रावत का बयान काफी महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल इस समय उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है और इस बीच हरक सिंह रावत का बयान सनसनी मचा रहा है। हरक सिंह रावत ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ में पूरी सरकार जुटी हुई है, लेकिन लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इस दावे के साथ ही ईडी के छापों को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। वन विभाग घोटाले की जांच के दायरे में आए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में सबसे पहले सीबीआई जांच हमारे खिलाफ हुई। उत्तराखंड में कोई भी छापेमारी होती है तो सबसे पहले हरक सिंह का नाम सामने आता है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि हरक सिंह कुछ तो है ना, मैं एक सिपाही का लड़का हूं। एक सिपाही के लड़के ने हिंदुस्तान की सीबीआई ईडी जैसी सबसे बड़ी जांच एजेंसीज को हिलाकर रख दिया। ईडी जांच को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मेरे निमंत्रण पर ईडी वाले हमारे घर आए थे, उस समय मैंने कहा हुजूर बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। उनसे हमने कहा कि मैंने यहां कोई सामान थोड़े रखा है, उसको तो पहले ही रफा दफा कर दिया। हरक सिंह ने आगे कहा, ईडी वालों ने सवाल किया सामान कहां रखा है, मैंने कहा ढूंढो, तुम्हारा काम है ढूंढना। उन्होंने जांच एजेंसीज की हंसी उड़ाते हुए कहा, ईडी वालों को ढूंढना चाहिए, हम क्यों बताने जाएं। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी टिप्पणी की। मीडिया के धाकड़ धामी के सवाल पर उन्होंने कहा, वो मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में मत पूछो, वो रात 2-2 बजे तक हमारे दरवाजे पर खड़ा रहता था, मैं सच बता रहा हूँ। हरक सिंह ने दावा किया कि उत्तराखंड में हरीश भाई को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा नेता नहीं जो हरक सिंह रावत के दरवाजे पर खड़ा न रहा हो। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मौका देखकर पंजाब में फ्री बिजली स्कीम वापस ले ली, ठीक वैसे ही कर्नाटक सरकार शक्ति योजना को वापस लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए मौका सही नहीं चुना, मौका महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों का था और डीके शिवकुमार ने इस योजना की समीक्षा करने की बात कह दी। कांग्रेस कर्नाटक वाली पांचों गारंटी महाराष्ट्र में लागू करने का वादा भी कर चुकी थी। अब डीके शिवकुमार के बयान के बाद कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगड़ गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा, अगर गारंटी वापस ली तो 10 साल के लिए सत्ता भूल जाओ। कांग्रेस में मचे बवाल ने बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस को जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने के लिए माफी मांगनी चाहिए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं। दरअसल शिवकुमार ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की इस गारंटी के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। खड़गे ने शिवकुमार के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा था कि आपने कुछ गारंटी दी है, उन्हें देखने के बाद मैंने भी महाराष्ट्र में कहा था कर्नाटक में 5 गारंटी है, अब आपने कहा कि आप एक गारंटी छोड़ देंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि शिव कुमार ने जो कुछ भी कहा है उससे भाजपा को मौका मिल गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया कि उसकी चुनावी गारंटी जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात है। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से घोषित चुनावी गारंटियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि घोषणा करना शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना और बाद में योजना को जमीन पर नहीं उतारना, बस कागज पर ही रहना, ये कांग्रेस का आज का इतिहास नहीं है। गरीबी हटाओ की घोषणा 1971 में हुई, गरीबी हटी क्या, घोषणा करो कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस की कलाई खुल गई और सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी भी माफी मांगे। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटक, क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में धूल झोंकी है। हरियाणा के लोग ये समझ गए। प्रसाद नेता ने मजाकिया लहजे में पूछा कि खड़गे को अपना पहला ज्ञान राहुल गांधी को देना चाहिए, जो उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर विभिन्न वर्गों के खातों में खटाखट पैसे हस्तांतरित करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस उम्र में आपको ज्ञान आया, आपको अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये ज्ञान आपको पहले आना चाहिए था। क्या इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइएगा? रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने जब शरद पवार की एकीकृत एनसीपी को सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा था और 80,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, तब शरद पवार को बहुत बुरा लगा था। लेकिन अब उन्होंने एक तरह से कबूल कर लिया कि हाँ, घोटाले एनसीपी ने किए और एनसीपी के मंत्रियों ने जमकर घोटाले किए। असल में शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार को घेरने की कोशिश करते हुए अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन वो ये भूल गए कि तब अजीत पवार उनके साथ ही थे और उन्होंने घोटाले किए तो उसका सीधा फायदा पवार को हुआ था। असल में अजीत पवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की खुली जांच के लिए पूर्व गृह मंत्री दिवंगत आर.आर. पाटिल के द्वारा जांच की मंजूरी दी गई फाइल्स दिखाई थी। अजीत पवार के इस बयान के बाद शरद पवार कैंप की तरफ से हमला बोला जा रहा है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने फडणवीस पर अजीत पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के बयान से पता चलता है कि अविभाजित एनसीपी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के प्रयास तभी से चल रहे थे। जयंत पाटिल ने कहा कि फडणवीस ने विपक्ष में रहते हुए अजीत पवार पर आरोप लगाया था, सत्ता में आने के बाद उनकी जांच की और उन्हें आरआर पाटिल पर आरोप लगाने वाली फाइल दिखाई, मतलब तब से हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे थे। फाइल दिखाकर अजीत पवार को 10 साल तक ब्लैकमेल किया गया और इससे पता चलता है कि ये बार बार भाजपा में क्यों जाना चाहते थे। पाटिल ने कहा कि अजीत पवार के बयान ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को उजागर करके उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अजीत पवार खुद इस वजह से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसने फडणवीस की कार्यशैली के साथ साथ पिछले 10 सालों में दोनों के रिश्तों को भी उजागर कर दिया। अगर उन्होंने विपक्ष के नेता को फाइल दिखाई होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अजीत पवार केवल एक विपक्षी विधायक थे और 29 अक्टूबर को सांगली जिले के तासगांव विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद फडणवीस ने उन्हें आर.आर. पाटिल के हस्ताक्षरित एक फाइल दिखाई जिसमें मेरे खिलाफ खुली जांच की सिफारिश की गई थी। जयंत पाटिल ने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बात करना जो अब खुद का बचाव नहीं कर सकता बहुत गलत बात है। वो हमारे साथ न आने के लिए हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आर.आर. पाटिल उस समय जीवित नहीं थे जब पार्टी विभाजित हुई थी, वो उनका नाम कैसे घसीट सकते हैं 9 साल बाद। क्यों पाटिल ने कहा कि ये दिखाता है अजीत पवार किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही कोई उनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हो। लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, किसी का धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है, लेकिन भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां नेताओं की उम्र भी दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ती है। देश के एक नेता की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ गई। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि ये उम्र उस नेता की बढ़ी है जो सीएम है, और शायद किसी सीएम को अपनी उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ाने का एकाधिकार होता होगा। चौंकाने वाला ये वाक्य झारखंड का है, जहां के सीएम हेमंत सोरेन 2019 में 42 वर्ष के थे, 2024 में उनकी उम्र 49 साल हो गई। कम से कम जो नामांकन उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दाखिल किया उसके मुताबिक तो यही है। अब अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। महज 5 साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 साल नहीं 7 साल बढ़ गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, वहीं तीसरी बार उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। अब हेमंत सोरेन के इस उम्र घोटाला को लेकर सियासी बवाल मच गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर बरहेट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने इसकी शिकायत निर्वाची पदाधिकारी से की। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन पर भी सवालिया निशान लगाए। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि हेमंत सोरेन की आखिरकार कौन सी उम्र सही है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया उन शपथ पत्र में कौन सही और कौन गलत। अगर हेमंत सोरेन जी की साल 2024 में दाखिल शपथ पत्र की उम्र सही है तो फिर उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि साल 2019 में उन्होंने जो अपनी उम्र बताई थी क्या वो गलत थी। अब उनकी उम्र को लेकर झारखंड में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। वहीं अगर निर्वाचन आयोग के साइट पर अपलोड किए गए प्रत्याशियों के एफिडेविट को देखा जाए तो हेमंत सोरेन की ओर से दायर एफिडेविट फॉर्म 26 पार्ट ए में साफ साफ लिखा है, हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन उम्र 42 वर्ष, उन्होंने अपना पता हरमू हाउसिंग कॉलोनी बी टाइप थाना अरगुंडा जिला रांची लिखा हुआ है और वो खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट बताते हैं। अब उनका ये एफिडेविट 2 दिसंबर 2019 की तारीख में दर्ज किया गया और वर्तमान में यानी 2024 में 24 अक्टूबर 2024 को अपलोडेड एफिडेविट में हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन उम्र 49 वर्ष, पता हरमू हाउसिंग कॉलोनी बी टाइप थाना अरगोड़ा जिला रांची झारखंड दर्ज है। झारखंड की बरहेट काफी मशहूर सीट है, हॉट सीट में शुमार है। बीजेपी ने बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है।